हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में मैथ्स एक्सरसाइज 5.4, 5.3 तक मैं करा चुका हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, उसको जाके देख लीजिए, तभी 5.4 समझ में आएगी। 5.4 सिंपल है, सभी बच्चों को आ जाएगी, लेकिन 5.1, 2, 3 जो मैंने वीडियो डाल रखी इससे पहले, उसको जाके जरूर देख लीजिए, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं 5.4 के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन लिखा है बच्चों 5.4 में, e की पावर x अपॉन में साइन x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग डब्ल्यू आर टी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x अपॉन में साइन x। पहला क्वेश्चन है e की पावर x अपॉन में साइन x। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, e की पावर x अपॉन में साइन x का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। ये बच्चों है, ऊपर भी फंक्शन है और नीचे भी एक फंक्शन है, तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब डी ओवर डी एक्स करना है हम लोग को। मान लीजिए यू वी है और ऊपर वी है, तो इसका फॉर्मूला होता है, नीचे वी है सॉरी, तो फॉर्मूला क्या होता है सभी लोग नोट कर लीजिए बच्चों। पहले डिनोमिनेटर डी ओवर डी एक्स यू का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस यू, फिर डी ओवर डी एक्स वी का डिफ्रेंशिएशन, डी ओवर डी एक्स वी का डिफ्रेंशिएशन अपॉन में जो डिनोमिनेटर है मतलब वी है, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे बच्चों, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो पहले क्या होता है डिनोमिनेटर, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ बताइए, पहले साइन एक्स। ओके बच्चों, डी ओवर डी एक्स किसका बच्चों, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ए की पावर एक्स, माइनस यू, यू का मतलब यहाँ पे बताइए बच्चों ए की पावर एक्स, न्यूमरेटर होता है ना, फिर डी ओवर डी एक्स किसका करना है, डिनोमिनेटर मतलब साइन एक्स का, और अपॉन में क्या होता है बच्चों, स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स पे ना लगाना बच्चों, क्योंकि इस एंगल पे नहीं लगता है, उसके रेशियो पे लगता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए बच्चों ध्यान से, साइन एक्स का, साइन एक्स e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सभी लोगों को याद हो चुका होगा, e की पावर एक्स, और उसी प्रकार से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। ओके बच्चों, ऊपर ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, ई की पावर एक्स कॉमन लिया, क्या बचेगा यहां पर, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। ओके बच्चों, ये आ गया आंसर पहले क्वेश्चन का। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू लिखा है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, डिफरेंस यहाँ पर जो चल लाइन में लिखना भूल गए थे पिछले क्वेश्चन में, लिख देना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो हम लोग करने करना है डिफरेंशिएशन, ये हमने लिखना भूल गए थे इससे पहले क्वेश्चन में, तो लिख लीजिएगा उसमें भी। तो डी ओवर डी एक्स क्या लिखेंगे, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। ओके बच्चों, अब बच्चों e की पावर x हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, e की पावर x होता है, ये क्या लिखा है, e की पावर साइन इनवर्स x, तो e की पावर अभी सोचिए कि x लिखा, तो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x मतलब साइन इनवर्स x, लेकिन दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे जो किसको x माना है, साइन इनवर्स x को, तो साइन इनवर्स x का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सभी को याद होगा, डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, ये हो गया आंसर। ओके बच्चों, समझ में सभी लोगों को आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन है e की पावर x की पावर 3, तो बहुत ही सिंपल ये भी सवाल है, डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी ओवर डी एक्स किसे करेंगे बच्चों, x की पावर e की पावर x की पावर 3। तो बच्चों ये e की पावर x लिखा है एक मिनट के लिए, तो e की पावर x का e की पावर x होता है d ओवर dx, अगेन करेंगे जिसको हमने x कहा, तो x की पावर 3 को, तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन सबको अच्छे से आता होगा बच्चों, 3 उठ के आगे आएगा और x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर e की पावर x की पावर 3, ये क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। समझाया बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था, e की पावर x की पावर 3, सभी लोग इसका आंसर मैच करा ले, सभी का आंसर आता होगा बच्चों। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है साइन 10 इनवर्स e की पावर माइनस x, तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों, ध्यान से देना सभी लोग, d ओवर dx साइन 10 इनवर्स e की पावर माइनस x,
तो बताइए बच्चों, ये साइन और ये एक्स लिखा, ध्यान देने, साइन ये एक्स है पूरा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक्स की जगह बच्चों बोला ये बताइए यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स ए की पावर माइनस एक्स, लेकिन डी ओवर डी एक्स अगेन करना पड़ेगा बच्चों, किसका, टेन इनवर्स ए की पावर माइनस एक्स का। ओके बच्चो, अब देखिए ध्यान से आगे, कॉस की जगह कॉस, टेन इनवर्स ए की पावर माइनस एक्स, अब बताइए टेन इनवर्स एक्स का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या, ये एक्स की तरह ट्रीट करेगा, होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स अगेन होगा अभी किसका बच्चों, e की पावर माइनस एक्स का, तो ये कॉस, ये ब्रैकेट में टेन इनवर्स, ये e की पावर माइनस एक्स इंटू वन प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल पावर टू, और e की पावर x का बच्चों क्या होता है, e की पावर x, लेकिन लिखा है माइनस x, तो d ओवर dx अगेन करेंगे माइनस x का। ओके बच्चों, तो cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ध्यान देना बच्चों यहां पे 1 प्लस ये e की पावर माइनस x दो बार लिखा, तो e की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, पावर की ओर पावर, तो पावर का इनटू होता है बच्चों, यहां प्लस नहीं होगा, माइनस टू एक्स होगा, ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स दो बार लिखा है, बेस सेम है तो पावर है प्लस हो गई, तो माइनस का टू एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का बच्चों क्या होता है, माइनस का वन, तो माइनस वन को आगे लिखा जाएगा, मतलब माइनस कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस e की पावर माइनस का टू एक्स। ओके बच्चों, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दे रखा है log इन ब्रैकेट cos e की पावर x, तो ये भी सिंपल सा बच्चों क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx log cos e की पावर x, बच्चों ये log ये x, log x का बच्चों क्या होता है, वन अपॉन x, तो वन अपॉन x, x है क्या यहाँ पे, cos e की पावर x, तो क्या करेंगे, d ओवर dx अगेन, जिसको x माना है, cos e की पावर x, वन अपॉन cos e की पावर x, cos का बच्चों क्या होता है बताइए, cos x का माइनस का साइन x, x है यहाँ पे क्या, e की पावर x, तो d ओवर dx अगेन करेंगे किसका, e की पावर x का, ये माइनस साइन अपॉन कॉस, मतलब क्या हो जाएगा, लिखेंगे माइनस का साइन e की पावर x अपॉन में कॉस e की पावर x, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है बच्चों, सिंपल लिखा, अब दोबारा नहीं करेंगे कि यहाँ पे x सिंपल लिखा हुआ है, वैसे दोबारा कर भी देंगे d ओवर dx x का, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x का कितना होता है बच्चों, वन होता है, तो साइन अपॉन कॉस बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का टेन e की पावर x, और e की पावर x का e की पावर x का बच्चों क्या होता है, वन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, चाहे तो e की पावर x को आगे लिख दे, माइनस e की पावर x tan e की पावर x। ओके बच्चों, ये भी सही है, वो भी सही है, कोई दिक्कत, इससे ये लग रहा कि एंगल दोनों साथ में, तो ऐसे आगे लिखेंगे तो अलग अलग प्रतीत होंगे, तो जब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, e की पावर x प्लस e की पावर x की पावर 2 प्लस डैश 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 e की पावर x की पावर 5, तो डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx e की पावर x का, d ओवर dx e की पावर x की पावर 2, अब बीच में क्या आएगा बच्चों बोलियो, d की पावर d ओवर dx e की पावर x की पावर 3, ठीक है बच्चों, फिर d ओवर dx e की पावर x की पावर 4 प्लस d ओवर dx e की पावर x की पावर 5, ठीक है बच्चों, e की पावर x का तो e की पावर x होता है भाई, e की पावर x स्क्वायर तो e की पावर x की पावर 2, और x स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो बच्चों यहां 2x लिख दे डायरेक्ट, x स्क्वायर का दोबारा करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 2x, उसी प्रकार से e की पावर x की पावर 3, x क्यूब को दोबारा करेंगे तो 3 उठ के आएंगे x स्क्वायर, इसी प्रकार से e की पावर x की पावर 4, और यहां 4 आगे उठ के आएगा 4x क्यूब, और यहां बताइए e की पावर x की पावर 5 इंटू 5 फुट के आगे आएगा x की पावर 4, एक लाइन और कर लेते हैं बच्चों, e की पावर x, ये जो 2x लिखे हैं 3x से आगे लिख दें 2x e की पावर x स्क्वायर, यहाँ 3x स्क्वायर e की पावर x की पावर 3, 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4,
5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5। ओके बच्चों चेक कर लीजिए यही आंसर आ रहा होगा। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। यहाँ पे लिखी कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0 क्यों लिखी है, बिकॉज यहाँ रूट के अंदर x है, अगर x माइनस में होगा तो फिर इंप्लाइज नहीं करेगा, मतलब लाई नहीं करेगा, वो रियल नंबर नहीं होगा, इसीलिए x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी तो अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा बच्चों, माइनस में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये रियल नंबर है ही नहीं, यहाँ पे रियल नंबर होना जरूरी है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों अब कंडीशन से कोई मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब यहाँ पर है। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान देना बच्चों सभी लोग, डी ओवर डी एक्स अंडर रूट ए की पावर अंडर रूट एक्स। पहले देखिए बच्चों ये जो बाहर वाला अंडर रूट लगा उसको हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 होता है बच्चों अंडर रूट का मतलब 1/2। अब ये भाई हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होता है, लेकिन भाई 1/2 लिखा है ना, इसकी इतना लिखा होता है ई की पावर रूट एक्स, तो ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स, और दोबारा कर देते किसका अंडर रूट एक्स का, लेकिन ई की पावर रूट एक्स की पावर 1/2 तो ये एक्स ही तरह ट्रीट करेगा, तो एक्स की पावर 1/2 तो ये क्या बच्चों, ये पूरा क्या है एक्स है, एक्स की पावर 1/2 तो 1/2 उठ के आगे आएगा ई की पावर अंडर रूट एक्स, और 1/2 से माइनस 1 करेंगे और डी ओवर डी एक्स अगेन करेंगे किसका, e की पावर अंडर रूट एक्स का, ठीक है, जब इसी तो एक्स माना बच्चों उन्होंने 1/2 e की पावर अंडर रूट एक्स की पावर कितना बचेगा, -1/2, ठीक है बच्चों। अच्छा ये बताइए e की पावर रूट एक्स का, e की पावर रूट एक्स भाई, अब लेकिन डी ओवर डी एक्स अगेन करेंगे किसका, अंडर रूट एक्स का, ध्यान देना बच्चों ये e की पावर रूट एक्स, ये भी e की पावर रूट एक्स, इसकी पावर हम लोग 1 मान लेंगे, इसकी -1/2 तो क्या लिखेंगे, e की पावर रूट एक्स की पावर -1/2 और ये +1। अच्छा अंडर रूट एक्स का बच्चों डिफरेंशियल सभी को याद होगा 1/2 रूट एक्स, याद क्या होगा बच्चों हम लोग को मालूम होता है एक्स की पावर 1/2 है तो 1/2 उठ के आगे आता है, एक्स की पावर 1/2 से 1 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा -1/2, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों ध्यान रखिए अगर ये आप लोग 1/2 रूट एक्स, तो ये 2 × 2 = 4, ये 4 अंडर रूट एक्स, और ये कितना बचेगा ए की पावर रूट एक्स, ये 2 × 2 प्लस मतलब 1/2 बचेगा, 2 × 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, और 1/2 का मतलब जो होता है वो उसको यहाँ पे लिख दीजिए क्या होता है, अंडर रूट ए की पावर अंडर रूट एक्स, क्योंकि क्वेश्चन उसी रूप में था तो आंसर भी उसी रूप में लिखना जरूरी है, ठीक है बच्चों। आया समझ में, ये पूरे पर अंडर रूट लगा फिर से लिख देते हैं इसको, 1/4 अंडर रूट एक्स अंडर रूट ए की पावर अंडर रूट, ठीक है बच्चों सभी लोग को समझ में आ गया होगा जहाँ तक बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देना बच्चों, log log x, x इज ग्रेटर देन 1, मतलब x 1 से बड़ा होगा तभी ये लाई कर पाएगा, अन्यथा ये लाई नहीं कर पाएगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx log log x, ओके बच्चों log x, log x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है 1/x, तो 1/x मतलब 1/log x, और d ओवर dx अगेन करेंगे किसका, log x का बच्चों, 1/log x और log x का बच्चों 1/x, ओके बच्चों ये log x तो 1/x, फिर log x का तो 1/x, तो आंसर हम लोग लिख सकते हैं 1/x को आगे लिखेंगे x log x, ओके बच्चों सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, लगा लीजिए समझ में आ गया होगा बच्चों। ये कंडीशन पे ज़्यादा ध्यान न देना बच्चों, कंडीशन से मतलब तो नहीं, यहाँ पे भले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे कंडीशन लिखना जरूरी, क्योंकि यहाँ पे बताना मतलब ये x जो है 1 से बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर इस कंडीशन का मतलब साफ साफ दिखाई पड़ा, अगर log x ये वैल्यू 1 के इक्वल हो गए बाई चांस, देखिए x ये वैल्यू 1 के इक्वल हो गई तो यहाँ पे रखिए log 1, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, और 1/0 इम्प्लाई करेगा ही नहीं, ये रियल वैल्यू है ही नहीं, इसीलिए x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है 0 भी नहीं सकते क्योंकि 0 होगा तो ये भी लाई नहीं कर पाएगा, ओके बच्चों तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होना जरूरी है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है cos x अपॉन में log x, देखते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx करना है बच्चों में cos x अपॉन में, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखवाया था बच्चों फॉर्मूला
न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। तो क्या होता है डिनोमिनेटर डी ओवर डी एक्स किसका बच्चों, कॉस एक्स का, माइनस अब बताइए बच्चों किसका, न्यूमिनेटर लिखेंगे यहाँ पे डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे, लॉग एक्स का, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो लॉग एक्स का स्क्वायर, लॉग एक्स कॉस एक्स का बच्चों क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस का साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स और लॉग एक्स का बच्चों मालूम होगा सभी को वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। क्या करेंगे हम लोग, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो बताइए एक्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, माइनस आगे लगा देते हैं इसका, माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा तो क्या आएगा कॉस एक्स आएगा और नीचे आ जाएगा एक्स और लॉग, नीचे क्यों आएगा कि नीचे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करें ना, न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे, तो यहाँ एक्स एक्स कट जाए, हमने एक्स का इंटू लिया क्योंकि एक्स एक्स कट जाए यहाँ पे सिंपल फॉर्म में बन जाए, माइनस को चाहे तो बाहर कर लेते हैं, माइनस को बाहर कर लिया तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स साइन एक्स को भी आगे लिखें एक्स साइन एक्स फिर लॉग एक्स, जिससे लॉग एक्स अकेले लगे और ये कॉस एक्स माइनस लगेगा बीच में सॉरी, और अपॉन में सॉरी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ओके बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड टेंथ है कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है बच्चों यही क्वेश्चन है लॉग कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। देखते हैं बच्चों कंडीशन दे रखी है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, बच्चों कॉस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स की जगह बच्चों यहाँ पे log x प्लस e की पावर x, डी ओवर डी एक्स अगेन करेंगे किसका बच्चों log x प्लस e की पावर x, समझाया बच्चों को cos ये x है बच्चों माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, बच्चों log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए वन अपॉन x और e की पावर x का e की पावर x, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर बच्चों, ठीक है एक लाइन चाहे तो एलसीएम लेके कर सकते हैं लेकिन फायदा नहीं यहीं से छोड़ सकते हैं। तो ये बच्चों पूरे क्वेश्चन 10 हो गए हैं, ठीक है 5.4 के पूरे क्वेश्चन 10 हो गए हैं, अब इसके आगे पढ़ेंगे 5.5 लेकिन उसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे 5.5, और 5.5 बहुत इंपॉर्टेंट है लॉगरिथम्स से बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे लॉगरिथम्स वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन यहाँ तक सभी बच्चे क्वेश्चन कंप्लीट कर लें और यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए उसे। ओके बच्चों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.5 के साथ, थैंक यू सो मच।